तो वेलकम टू ज्ञापन एकेडमी। और आज हम लोग क्लास टेंथ का पहला चैप्टर और लाइन बाय लाइन एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम लोग को काफ़ी मेहनत करना है। लॉकडाउन में सब कुछ बंद होने के कारण आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए और मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत तो ज़रूरी है और मेहनत के लिए कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। कहा जाता है, किसी शायर ने अच्छा कहा है कि अगर सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो ज़िंदगी जीने का मज़ा देती है। तो आइए सब छोड़िए बात, ये तो बात की बात है, आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जहाँ तक कि हम बताए हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये हम दोनों मतलब बता चुके हैं ये होता क्या है। तो जान लीजिए एक बार फिर से कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। कोई भी अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं और क्वेश्चन को जो स्टेप बाय स्टेप सजा करके लिख रहे हैं, तो जो सजा करके लिख रहे हैं उसको हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। और प्रमेय का जो जिस फॉर्मूला पे वो सारा स्टेप सज रहा है उसे हम लोग प्रमेय का कहते हैं। तो यहाँ पे यूक्लिड महाराज ने, यहाँ पे देखिए जो भी वैज्ञानिक आए हैं अपना ही कुछ कांड करके चले गए हैं, जो भी आए अपना ही नाम अच्छा करने के लिए, नाम को अमर करने के लिए अपना ही नाम पर कोई ना कोई फार्मूला दे करके चले गए। तो आइए इनके नाम के अमर होने के बाद हम लोगों को जो मतलब हम लोग जो भुगत रहे हैं ठीक है, उसके बारे में जानते हैं कि इनके रूल के द्वारा बोल रहे हैं कि HCF निकालिए। वैसे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, इसके निकालने के हम लोग बहुत सारे तरीके जानते हैं। छोटे क्लास में भी हम लोग बहुत सारे तरीके पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो हम लोग HCF पढ़े हैं, मान लीजिए कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है कि वो कि मान लीजिए कि 8 एक नंबर है, इसका फैक्टर कीजिएगा तो 8 कटेगा आपका, ये 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, ठीक है। अगर 8 और 16 है तो ये 2 के टेबल में आएगा, ये 4 के टेबल में, ये 8 के टेबल में, 16 के टेबल में, इतना सब तो आता है। अब नॉर्मली निकाल रहे हैं HCF, अब हमको निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बताइए इसमें ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है और 8 भी कॉमन है, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट कौन कॉमन है, तो 8 कॉमन है, इसीलिए इसका HCF हो जाएगा 8। तो ये तो हम लोग ऐसे ही नॉर्मली जानते हैं, ठीक है, कि ये HCF निकालने का ये सबसे शॉर्ट मेथड हुआ। लेकिन यहाँ पे इस मेथड से HCF नहीं निकालना है, यहाँ पे हमको जिस मेथड से निकालना है वो मेथड किसी महानुभाव, एक महावैज्ञानिक ने दिया है, उस वैज्ञानिक का नाम है यूक्लिड, जो कि यहाँ पे दिए हैं। और उन्होंने एक प्रूवन स्टेटमेंट दिया, मतलब साबित किया हुआ एक फार्मूला दिया है। अब बोले हैं कि मेरे ही फार्मूला लगा करके, ठीक है, और तब HCF निकालिएगा, ठीक है। तो वो फार्मूला क्या है, वो है a बराबर BQ+R। और ये हम बताए हैं बहुत पहले कि a बराबर BQ+R ये होता क्या है, ठीक है, यही तो है लेमा, इंग्लिश में इसको लेमा कहते हैं। और इसी का उपयोग करके ये समझिए तो एक भाग डिवाइड का जांच करने वाला फार्मूला है, शुद्धता की जांच होता है। वो कैसे होता है, सपोज कुछ देर के लिए ऐसे ले लें और 2 से हम डिवाइड करें तो हो जाएगा 2 3 6, ये 1 हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ए, इसको कहते हैं बी, इसको कहते हैं हम लोग क्यू, और इसको कहते हैं हम लोग आर, बस यही है। तो हम लोग जांच करने के लिए इसको और इसको गुणा करते हैं, यानी बी इंटू क्यू, अब प्लस में रिमाइंडर को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर मिलता है ए, यानी ए बराबर BQ+R। वैसे तो हम लोग इसको डिविडेंट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे यूक्लिड महोदय ने इसको ए के फॉर्म में चेंज किया है और ए एक प्रकार का पूर्णांक है। तो आते हैं हम लोग, बाकी सब छोड़े, हम लोगों को क्या करना है कि इसका HCF निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, और इस फॉर्मूला का यूज़ करना है और डिवाइड का यूज़ करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है 135 और 225 का HCF निकालना है, और ये बाबू साहब के फार्मूला का उपयोग करके निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे डिवाइड मेथड से निकालना है, विभाजन वाला है, ये विभाजन एल्गोरिथम है, इसलिए विभाजन करेंगे, भाग देंगे। तो भाग कैसे देंगे, बड़ा वाला को अंदर रखेंगे, वैसे 225 बड़ा है और बाहर है 135 छोटा है, क्योंकि तभी भाग लग पाएगा। और भाग विधि द्वारा हम लोग इसका HCF निकालेंगे। 135 का टेबल पढ़ेंगे, पढ़ा तो किसी को आता नहीं होगा, नहीं आता होगा तो गुणा करके आप लोग लिख लीजिएगा। वैसे ये अगर 135 एक बार में कटेगा,
क्योंकि 2 12 में कटेंगे तो लगभग 270 हो जाएगा, 100 का करेंगे तो 200 हो जाएगा, 35 × 70 270, इसीलिए हम लोग 1 से करेंगे, 5 में से 5 जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका 12 में से 3 जाएगा 9 और ये आपका कट जाएगा। फिर अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिवाइड इतना ही पर करके छोड़ देते हैं, नहीं कटता है, लेकिन एच सी एफ निकालने के लिए बोले हैं एल्गोरिथम बार बार यही स्टेप दोहराते हैं जब तक रिमाइंडर यानी शेष जो नीचे वाला 0 नहीं आ जाए। फिर इसको हम लोग घेरेंगे, घेर घार करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 135, यहाँ पे एक बार में जाएगा 90, 5 लिख देंगे और इसके बाद ये हो जाएगा कितना आपका 13 में से 9 जाएगा 9 10 11 12 13 4 बचेगा। फिर इसको हम लोग करेंगे, अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया है नीचे वाला, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे 90 और ये हो जाएगा 45 × 90, आपका आ गया शेषफल पूरा का पूरा कट गया, अब कुछ नहीं बच रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ एच सी एफ होगा कौन, तो यहाँ पे जो ये बच रहा है डिवाइजर यानी कि जो ये भाग देने वाला बच रहा है, इसी से ना हम लोग भाग दे रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं एच सी एफ। तो बस ये हो गया, इतना ही पर नंबर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, इसका स्टेप लिखना पड़ेगा। हम लोग इसको कितना बार भाग दिए हैं, 3 बार दिए हैं, एक बार यहाँ पे, फिर एक बार यहाँ पे भाग दिए हैं और फिर एक बार यहाँ पे, 3 बार भाग दिए। अब ये तीनों स्टेप को, इनके प्रूवन स्टेटमेंट यही ना फॉर्मूला था, इस पर सजा देंगे, बस हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और हम बताए थे कि कौन क्या होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको और ये जो शेष बचा है नीचे इसको क्या कहते हैं, ये हम लोग देखेंगे, सजाते हैं हम लोग। यहाँ पे इसको कहते थे ए, यानी ए यहाँ पे है 225, उसके बाद से बी 135 है और इनटू क्यू है 1 और प्लस ये हो जाएगा आर, यहाँ पे 90 बच रहा है। यहाँ पे ये हम फॉर्मूला लगाए हैं आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, आपका पहला स्टेप एगो डिवाइड वाला काम हो गया, सेकंड बच गया ये वाला डिवाइड बचा है, ये क्या है, तो आपका यहाँ पे 135 ये बीच वाले को कहते हैं ए और बी कहते हैं 90 को और क्यू कहते हैं 1 और आर जो बचा है 45 बचा है, ठीक है। उसके बाद से तीसरा स्टेप है आपका 90 हो जाएगा ए, 45 हो जाएगा ये और इंटू 2 और प्लस रिमाइंडर कुछ नहीं है। अब यहाँ पे हमको एच सी एफ, यही इसको कहते हैं एच सी एफ, यही जो स्टेटमेंट ये तीन लाइन में जो सजाया गया है, ठीक है, यही तो है एल्गोरिथम बस। और ये आपका यहाँ पे एच सी एफ इक्वल टू 45, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमने एच सी एफ निकाल दिया। बस आप ये एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा, आप चाहे तो ये भी वहाँ साइड में लिख सकते हैं, उसके बाद से सजा सकते हैं, ये आपकी मर्जी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहा, जिसका एच सी एफ आपका आया है कितना, जितना आपका एच सी एफ यहाँ लिख देते हैं, एच सी एफ आया है आपका 45 जो बच गया, बस ये पहला क्वेश्चन रहा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन इसमें मुश्किल नहीं है, बस भाग देना है और जितना बार भाग लगेगा उतना स्टेप को बस सजा देना है। उस स्टेप को सजाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं, वही इनका बात मान लेना है। ये बोले हैं कि मेरे जरिए आप एच सी एफ निकालिए, तो बस करना क्या है, भाग दे देना है उसके बाद सजा देना है और कुछ नहीं करना है। सेकेंड क्वेश्चन है 196, ये तो बाहर रहेगा छोटा है तो, और बड़ा वाला कभी भी अंदर रहता है। डिवाइड करना शुरू करते हैं, 196 है। अगर हम यहाँ डिवाइड करें तो ये कितना बार में जाएगा, 196 का टेबल ऐसा पढ़िए कि या तो मतलब इससे डिवाइड हो जाए या छोटा या बड़ा है, देखते हैं यहाँ पे कितना होता है। अगर हम 196 का टेबल पढ़ें तो ये हो जाएगा 2 × 6 = 12 के 2 हाथ में 1, 2 × 9 = 18 और 1 × 19 = 9 हाथ में 1 हुआ, 2 × 1 = 2 और 1 = 3 ज़्यादा हो जा रहा है, 392, इसीलिए हम कटाएंगे एक बार में। आप आसानी से पढ़िए इसको, 196, 12 में से 6 जाएगा 6, ये बचेगा आपका 17, 17 में से आपका 9 जाएगा तो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 बचेगा, ठीक है, और ये बचेगा आपका कितना, 2 2 में से 1 जाएगा 1,
यहाँ 17, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। अब उसके बाद से जब तक पूर्ण रूप से कट नहीं जाएगा, पूर्ण रूप सबका काम नहीं हो जाए, तब तक इसको ऐसे घेरेंगे नहीं। अभी तो बहुत कुछ बाकी है ना, अभी यहाँ पे फिर हम दो उतारेंगे और फिर 196 का टेबल पढ़ेंगे। वैसे इसका टेबल पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए 196 का नहीं पढ़ के 200 का टेबल पढ़े हम लोग, ठीक है। इसके करीब जाएगा तो हम लोग देख लेंगे कितना बार में जा रहा है। तो 200 का पढ़ेंगे तो 2 का 4, 2 3, 6, 2 4, 2 9, 18 लगभग, अगर 196 का टेबल 9 बार पढ़ें तो मे भी आ जाए। 9 6 54 के 4, हाथ में 5, 9 9 81 82 83 84 85 86 के 6, हाथ में लगा 8, और 9 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कि 9 बार में इतना आया। 196 और 10 करेंगे तब तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी 9 बार में ये जाएगा, आएगा ये आपका 69। एक बार और करके देख लेते हैं, 9 6 54 के 4, हाथ में लगा 5, और 9 9 81 82 83 84 के 6, हाथ में लगा 8, और 9 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। अब यहाँ पे 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ एक चला गया है इसमें, तो ये 15 में से अगर 6 घटाएंगे तो 9 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका फिर 7 7, ये कट जाएगा सब, ये उतारेंगे 0। अब यहाँ टेबल हम लोग पढ़ेंगे, 200 का पढ़ते हैं, तो 2 4 8 2 5 10 हो जा रहा है, ठीक है। तो 2 5 10 ज़्यादा हो जा रहा है, इसीलिए हम लोग एक काम करते हैं, 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 नहीं लेकर के एक 4 बार में पढ़ रहे हैं। अगर हम लोग 196 वो 4 बार में कराए, 4 6 24 के 4, हाथ में 2, 9 4 36 37 38 37 38, और 4 1 4 3 7, अगर हम 5 बार में पढ़ें तो 6 5 30 के 0, हाथ में 3, 9 5 45 46 47 48 के 8, हाथ में 4, 5 5 4 9, यहाँ पे 980 आ जा रहा है, डायरेक्ट 5 बार में 980 आ रहा है। और यहाँ हम लोग देखें, ये तो पूर्ण रूप से कट गया, और जब ये पूरा पूरा कट गया तो यहाँ तो कोई घेर घर वाला काम ही नहीं हुआ, घेरने वाला की घेरने वाला लास्ट में जो बचेगा वहाँ पे क्या करेंगे, उसी को एचसीएफ बोलेंगे, डायरेक्ट 196 बच गया, यही हमारा एचसीएफ हो गया। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कुछ नहीं साइड में ऐसे किए हैं, जो लास्ट में बच जाता है वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। इसको सजाना भी तो बहुत आसान हो गया, इसमें तो कुछ सजाना ही नहीं, एक स्टेप लिख लो, बाबू बाबू साहब ने फार्मूला क्या दिया है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए क्या था, बीच वाला, बीचवनिया वाला ए है भाई, यहाँ पे बी क्या है, 196 कितना से गुणा हुआ है, 195 से, आर जो नीचे बच जाता है कुछ नहीं बचा है, तो आप कुछ नहीं बचा है तो 0 लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे यही एचसीएफ हो जाएगा, यही तो है यूक्लिड डिवीजन आपका एल्गोरिथम। यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्टेप 1 पहला लाइन है, दूसरा लाइन रहेगा तो आप लिखिएगा स्टेप 2, थोड़ा सा अच्छा लिखिएगा, नंबर अच्छा आएगा, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं एच सी एफ कितना हो जाएगा, 196, आपका दोनों क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है, आप घर पे ट्राई कीजिएगा और इसको बनाइएगा, और हम लोग अगला अब 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ये क्वेश्चन बहुत लड़के इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार ये किस टाइप का क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन क्लास टेंथ में लगभग क्वेश्चन में लैंग्वेज ज़्यादा है, वन लेसन में ज़्यादा समझना है और लैंग्वेज को लिखना है, और हम लोग अपने लैंग्वेज को बिल्ड करेंगे प्रैक्टिस से। अगर ये बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे और सही से समझ जाएंगे तो शायद हम लोग का लैंग्वेज बहुत अच्छा, शायद क्या अच्छा होना ही है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। हम लोग यहीं पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, समय नहीं लगे, देखिएगा दर्शाइए, हमको क्वेश्चन बनाना ही है, सिर्फ सोचना है और दिमाग में पहले सोच लेना है। यहाँ दिखाना क्या है कि कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर, लेकिन वो होना क्या चाहिए, धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कि वो नंबर होना चाहिए जो प्लस में होना चाहिए, माइनस वाला नंबर नहीं, और वो विषम होना चाहिए, सम विषम पता है, जो 2 से कट जाए उसे सम और जो 2 से नहीं कटे उसे विषम। तो ऐसा नंबर जो 2 से नहीं कटे वो नंबर चाहिए। तो बहुत सारा नंबर होता है ना जी, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है,
11, ये बहुत सारा नंबर हो जाएगा, ठीक है। वो लेकिन धनात्मक तो ये सब प्लस वाला है, धनात्मक प्लस, और ये पूर्णांक होना चाहिए, तो ये सब पूर्णांक है। अगर पूर्णांक नहीं होता तो ये पॉइंट में होता। पूर्णांक मतलब पूरा अंक, आधा उधा नंबर वाला नहीं चाहिए भाई, क्योंकि जैसे 1.5, तो भाई 0.5 इसमें काहे के लिए आया है, ये पूर्णांक पूरा अंक थोड़ा ना हुआ, ठीक है। 1.2 तो ये सब नहीं हुआ, इसीलिए पूरा पूरा नंबर ये सब है, ठीक है। तो यहाँ वही बोला है कि दिखाना है जितना भी नंबर है धनात्मक पूर्णांक, क्या वो 60+1, 60+3 और 60+5 के रूप में है, हमको यही चीज़ दिखाना है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको देखते हैं, थोड़ा सा ये क्वेश्चन बताने से पहले थोड़ा सा हम पीछे ले जाना चाहेंगे। यहाँ पे जब हम लिखे हैं a बराबर BQ+R और एक हम डिवाइड दिए थे 2 से 2 3 6, 1 बचा था, याद करो इसका नाम हम दिए थे b, इसका नाम दिए थे हम q, इसका नाम a और इसका नाम दिए थे हम r। और हम जब भाग यानी डिवाइड का जांच किया जाता है कि ये डिवाइड सही है कि नहीं, तो लिखते हैं इसको और इसको गुणा करते हैं और रिमाइंडर को हम लोग जोड़ देते हैं, तो हमारा आंसर ये वाला बीच वाला मिल जाता है। इधर लिखते हैं, उधर भी लिख सकते हैं ए, यानी यही ना 7 मिल जाता है। यहाँ वही चीज़ तो लिखा गया है, ध्यान से देखो, 6Q+R, यहाँ आर तो आर है ही, इधर क्यू तो क्यू है ही, बी के जगह पर 6 हो गया है। आज जो ए का जहां तक बात रहा, तो वही ना ए बोला है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो यही धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। जिसको इस धनात्मक पूर्णांक को क्या आप ये वाला रूप दे सकते हैं, 6Q+1, 6Q+3 और 6Q+5, ये आप रूप दे सकते हैं। तो इसी को तो बार बार पीछे रूप दे रहे थे, बीचे वाले नंबर को, यानी इसी नंबर को तो तोड़ करके और एल्गोरिथम में सजा रहे थे हम लोग, ठीक है। तो ये देखते हैं हम लोगों को क्या कर, याद रखना है ये वाला नंबर बी है, ठीक है, क्यू दिया ये वाला आर है, ये जो 1, 3, 5 दिया है। लेकिन एक चीज़ और इसमें और देखना है, बेसिक देखना क्या है कि यहाँ जो भी रिमाइंडर होगा इस डिवाइड में, जैसे यहाँ 7 था, 2 से भाग दिए थे 3 बार में, ये 1 आया था, यहाँ जो भी शेष आएगा कभी भी इस नंबर से छोटा होगा, जिसे अरे यार छोटा होगा नहीं, या फिर ये छोटा इसलिए होगा, देखो क्यों होगा, अगर ये थोड़ा सा बड़ा होने की कोशिश करेगा, आप एक बार धाएँ काट दीजिएगा, 2 × 1 = 2 छोटा कर दीजिएगा, आप मौका ही नहीं दीजिएगा कि ये छोटा रह के छोटे, आपसे तो बच ही नहीं सकता है, क्योंकि आप तो बचपन से ही डिवाइड में माहिर हैं, ठीक है। तो ये कभी भी यहाँ का नंबर इस नंबर से मतलब बड़ा नहीं हो सकता, 2 से कभी बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन में 6 है ना, यहाँ क्वेश्चन में तो 6 है, तो 6 है इसका मतलब शेष 5 तक हो सकता है, संभवतः शेष यानी रिमाइंडर तो 5 तक हो सकता है, या तो आपका देख लिया जाए तो हमारा रिमाइंडर यानी आर बराबर हो सकता है 1 भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, क्योंकि लास्ट में कटता है तो 0 ही बचता है डिवाइड में, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 6 नहीं होगा, ठीक है, 5 तक हो सकता है। और याद कीजिए, तो यहाँ हम लोगों को जितना लैंग्वेज अच्छा से सजा के लिखेंगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा। यहाँ कुछ मान लेते हैं, माना ए एक विषम धनात्मक पूर्णांक है जो, यहाँ पे जो भी होगा यहाँ अंदर वाला 6 से बड़ा ही होगा। अरे जब ये 6 से भाग देंगे अंदर वाला जो भी ए होगा, 6 से बड़ा होगा तबे ना भाग लगाएंगे, अगर 6 से बड़ा नहीं होगा यहाँ पे 5 हो जाएगा तो कहाँ से लाएंगे यार, पॉइंट वॉइंट वाला नहीं लाना है, पॉइंट आ जाएगा तो ये पूर्ण अंक हुआ कहाँ, पूर्णांक तो हुआ नहीं, पूरा अंक नहीं हुआ, पॉइंट में हुआ तो हो गया 5.5, आधा उधर वाला काम नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए कभी भी 6 से बड़ा ही होगा, 7 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इधर, और रिमाइंडर आ गया आपका कितना, रिमाइंडर ये संभवतः मान ये हो सकता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जब शेष आ गया इतना, तो यहाँ पे देखेंगे तो संभवतः घटना क्या हो सकता है, संभवतः घटना क्या क्या हो सकता है, देखिए संभवतः घटना यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, हमारा a बराबर 6Q+1 हो सकता है, फिर a बराबर 6Q+2 हो सकता है, a बराबर 6Q+3
थ्री ए बराबर सिक्स क्यू प्लस फोर ए बराबर सिक्स क्यू प्लस फाइव, फाइव तक हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कहना है कि क्या सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री और सिक्स क्यू प्लस फाइव, ठीक है, यहाँ ये तीनों एक विषम धनात्मक पूर्णांक है जबकि q कोई भी पूर्णांक है। अगर यहाँ q के जगह पर कोई भी पूर्णांक भर लीजिए जो आपको अच्छा लगे, धनात्मक पूर्णांक, अगर ये धनात्मक पूर्णांक सब जगह भरिएगा कोई भी, तो 6q प्लस वन, 6q प्लस थ्री और 6q प्लस फाइव जब इसको सॉल्व कीजिएगा यहाँ धनात्मक पूर्णांक भर करके, तो हमेशा वो विषम आएगा, यही दर्शाना है। क्या वह आएगा वो शो कर देना है। एक बात बताइए, यहाँ पे लिख देते हैं q एक पूर्णांक है, यहाँ हम देख सकते हैं कि a बराबर 6q, तो अगर हम यहाँ पे भरे कुछ देर के लिए, ऐसे लिखना नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए हम लिख दे रहे हैं, अगर यहाँ हम लिखें सपोज कि q बराबर हम 1 भर रहे हैं, ठीक है, तो 1 भरे तो ये हो जाएगा 6 एकम 6 और 1 7, 7 क्या आया, विषम आया, बताइए ये विषम है कि नहीं, 6q प्लस 1, यहाँ पे कोई भी नंबर है, 2 भरे q का वैल्यू अगर यहाँ पे 2 कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा 6 दो 12 और 1 13, 13 क्या है, एक विषम है, तो हमको शो क्या करना है कि क्या इस पर विषम आ रहा है, कोई भी नंबर अगर q का वैल्यू कुछ भी भरिएगा तो विषम आएगा, तो कुछ भी भर के देखिए विषम आएगा। लेकिन अगर यही नंबर अगर ये इसमें भरें, क्योंकि ये देखिए इसमें नहीं है, ये थ्री वाला ये है और ये है, ठीक है, इसमें भरे तो नहीं आएगा, एक बार भर के देखते हैं। अगर इस q का वैल्यू हम अगर 1 भरें यहाँ पे, तो 6 एकम 6 और 2 8 आ जा रहा है, 6 एकम 6 और 2 8, और 8 बाबू विषम तो कभी हो ही नहीं सकता, 8 क्योंकि 8 तो 2 से भाग, मतलब भाग लग जाएगा ना, कट जाएगा, तो यानी वो सम हो जाएगा। इसमें भर के देखिए कुछ भी, 5 भरिए तो 6 5 30 और 30 और 4 34 आ गया, ठीक है, तो 34 क्या है, सम है, हमको लाना क्या है, विषम, यानी कि किसी भी क्यू के किसी भी पूर्णांक के मान के लिए 6 की प्लस 2 4 और आगे तो कुछ है ही नहीं, इस पर धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा। यहाँ हम लिख सकते हैं क्यू के किसी भी मान के लिए, क्यू के किसी भी मान के लिए 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 पर धनात्मक ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा यहाँ नहीं दिख रहा होगा, अच्छा ऐसे काम करते हैं, जब इस पर नहीं हो तो जाहिर सी बात है 6c प्लस 1, 6c प्लस 3 और 6c प्लस 5 पर ही धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि a बराबर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 पर धनात्मक विषम पूर्णांक है, देखिए, और यही तीनों, यही तो दिखाया था 6q प्लस इतना और ये तीनों 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 पर ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, और बाकी जो नंबर बच गया 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 इस पर धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं था, ठीक है, और हमको दिखाना भी यही है, ठीक है, और q एक पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक है ना भरेंगे, पूर्णांक में आप जानते हैं कि कोई भी नंबर भर सकते हैं, पॉजिटिव बोल रहा है यहाँ पे यानी कि धनात्मक, तो धनात्मक का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7 जीरो से जाते रहिए जहाँ तक जाना है, ठीक है, शंखों अरबों तक भरिएगा यहाँ पे कुछ भी, तो ये हमेशा सम होगा और ये तीनों पर विषम होगा, ठीक है। और आपको हम बताएं कि ये 5 तक ही क्यों लिए हैं, हम 5 तक इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा b बराबर क्या था, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं b बराबर यहाँ पे 6 था, b का वैल्यू, और 6 जब b बराबर 6 हो, और 6 कभी रिमाइंडर जो होता है 6 से हमेशा छोटा ही होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिए। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ, इसी एक्सरसाइज 1.1 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, और इसको हम लोग बहुत ही इजी वे में समझते हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, पढ़ने से भी कुछ समझ में आ जाएगा कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी जो होता है कि टुकड़ी को 32 सदस्यों वालों
एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराया जाता है, यानी 616 लोग हैं आर्मी के, और उनके आगे 32 गो बैंड बाजा वाला है। अब 32 गो बैंड बाजा वाला के पीछे 616 लोगों को सजाना है, तो कितने स्तंभ में सज पाएंगे? यहाँ दिया है कि दो समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। मार्च कराने का मतलब परेड करना और वहाँ से चलना, ठीक है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? वो स्तंभ कितना होगा जिसमें 616 लोग आएंगे, जिसमें 32 वो आगे बैंड बाजे वाले रहेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को। और यहाँ पे देखिएगा, एक यहाँ पे कीवर्ड आपको बता दे, यहाँ पे लिखा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, जो ये अधिकतम का बात करेगा ना, तो जब कहेगा लोएस्ट यानी कम का बात करेगा, तो निकालते हैं हम लोग LCM, और जब जैसे ही बोलेगा अधिकतम तो हम लोग निकालते हैं HCF, क्योंकि HCF में अधिकतम, हाईएस्ट का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे हम लोग HCF निकालेंगे। और यहाँ पे दिया जा चुका है 616 और 32, यानी कि हम निकालेंगे 616 और 32 का HCF। और एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि कभी भी HCF निकालते समय बड़ा वाला को अंदर रखते हैं और छोटा वाला को बाहर रखते हैं, ताकि डिवाइड हो जाए, ठीक है। और वो डिवाइड ऐसे ही नॉर्मली HCF नहीं निकाल सकते, उसका फैक्टर करके नहीं निकालना है। याद कीजिए, ये क्या पढ़ रहे हैं, तो ये एक यूक्लिड महोदय हैं जिन्होंने कहा है कि मेरे लेसन में अगर दूसरा दिमाग लगाइएगा तो हम गलत कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको उन्हीं के फार्मूला द्वारा जो लेमा वो दिए हैं, ठीक है, जो फार्मूला दिए हैं उसी फार्मूला पे सजा करके, फार्मूला याद है A=BQ+R, उसी पर सजा करके HCF निकालना है। थोड़ा सा अपना ज़्यादा दिमाग लगाइएगा, नीचे से एक नंबर आइएगा। देखिए इधर वो है क्या चीज़, सबसे पहले हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, फार्मूला है A=BQ+R, बस इस पर सजा देना है, HCF निकल जाएगा, हो गया आंसर। देखिए डिवाइड इधर देते हैं, 616 में 32 से डिवाइड देंगे, एक बार में जाएगा 32, ठीक है, और ये हो जाएगा कितना, 11 में से 2 जाएगा 9, ये आपको हो में हो जाएगा यहाँ पे 5, और 5 में से 3 जाएगा 2, और फिर यहाँ पे आपको 6 लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको पूर्ण रूप से कटाएंगे, तो कितना बार में कटेगा, 30 का ही टेबल पढ़े तो 3 चौका 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 9 8 24, 3 9 27, 32 का टेबल अगर हम लोग 9 बार पढ़ें, ठीक है, तो आ जाएगा 9 2 18 के 8 हाथ में 1, और 9 3 27 और 1 28, 288 लगभग में आ गया, 9 बार में आ गया 288। यहाँ इसको कटाएं हम, 16 में से 8 जाएगा 8, ये बाकी सब हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, ठीक है, आपको 16 हो गया 288 और ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे हम लोग ऐसे करें और 32 उतारें यहाँ, जब 32 उतारेंगे तो कितना होगा, 8 चौका 32, यहाँ पे हमारा क्या मिला, HCF 8 मिला। यहाँ तक याद रखें, अभी इसके बाद हम बताते हैं, 8 रिमाइंडर मिला। अभी ये एक डिवाइड सल्व हुआ, अब एक डिवाइड को इस पर हम सजा देते हैं। याद है A मानते थे, B मानते थे, Q है, ये नीचे वाला R है, भर दीजिए यहाँ पे, 616, B क्या है 32, Q क्या है 19, और R बचा है 8। अब सेकेंड वाला डिवाइड करते हैं, ताकि 8 बचा है, ताकि बनाने में आसानी होगा। अब उसके बाद से ये हो जाएगा 8 चौका 32, कट जाएगा। फिर सेकेंड वाला क्या है, इसको याद है क्या मानते थे, A, इसको B, इसको Q, इसको R, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका A यानी 32, B क्या हो जाएगा 8, वहाँ पे 4 हो जाएगा Q, और ये रिमाइंडर हो जाएगा आपका 0। तो इसका HCF, इसी को तो HCF कहते थे ना, HCF जो इधर बचेगा, तो ये HCF यहाँ पे ये वाला हो जाएगा आपका 8। और ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, यहाँ आप लिख सकते हैं, लिखना होगा तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यही फार्मूला है, और इसके हिसाब से आप इसको अधिकतम कह रहा है कि उन संख्याओं, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो यहाँ लिख दीजिए, आपको लैंग्वेज में अच्छा खासा लगेगा, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है, हो गया आपका आंसर, बस दैट्स ऑल। क्वेश्चन को उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छा से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है,
और यहाँ देखते हैं ये भी काफ़ी इजी है। और देखिए जो भी क्वेश्चन होता है सबसे पहले उसको पढ़ के और जब तक डीपली समझ में नहीं आएगा तब तक हम लोगों से एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसीलिए पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। और 1.1 में सबसे ज़्यादा लिखना होता है, लैंग्वेज लिखना होता है खुद के दिमाग से। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम बता चुके हैं क्या होता है, वो होता है आपका a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी रूल का प्रयोग करना है। ये यूक्लिड महोदय ने एक प्रूवन स्टेटमेंट साबित किया हुआ एक फार्मूला दे दिए हैं और इसी का उपयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कुछ आप पूर्णांक मानिएगा, और जो पूर्णांक मान लीजिए कि ए एक पूर्णांक है, और जो इसका जब वर्ग कीजिएगा यानी पावर दो कीजिएगा, वर्ग का मतलब उसका पावर दो होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है, वर्ग कीजिएगा और किसी पूर्णांक एम के लिए, और फिर एक जो पूर्णांक इधर एम रहेगा एम के लिए थीरियम आंसर आ सकता है, फिर थीरियम प्लस वन के रूप में आप बदल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, यहाँ थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ लिखा गया है थ्री एम प्लस वन, क्या ये इस रूप में दिख रहा है, यानी q भी एक पूर्णांक है, तो भाई m भी एक पूर्णांक है यहाँ लिखा गया है, ठीक है, और m के बगल में 3 है और इसके बगल में b है, तो b है तो b बराबर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 भी दिखाना है, रिमाइंडर को शो कर देना है, यहाँ जो रिमाइंडर है रिमाइंडर को r बराबर 1 शो कर देना है, यानी इस रूप में बदल देना है। तो यहाँ जाहिर सी बात है, कल हम बताए थे 7 दिए थे और 2 से जब हम डिवाइड किए तो 2 3 जा 6 हुआ था, ये 1 बचा था, इसको हम लोग कह रहे थे कि ये बी लिख दे रहे थे, और इसको हम लोग क्यू और इसको हम लोग 1 लिख दे रहे थे, और ये था ए। और हम कह रहे थे कि जब भी यहाँ पे आर का वैल्यू आएगा कभी भी 2 से ज़्यादा नहीं आएगा, 2 से कम आ सकता है, यानी अगर बी है 2 तो यहाँ आर का वैल्यू हो जाएगा 0 1, ठीक है। यहाँ पे एकदम सेम इसी प्रकार अगर हम लोग देखें कि यहाँ b के जगह पर क्या है 3 है, तो यहाँ पे r का वैल्यू हो जाएगा 0 1 2। तो इसी प्रकार से हम लोग थोड़ा सा रफली जान लिए कि ये इतना होगा, ठीक है, और एक 0 1 2 को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर जाके सेट कर देना है, और देखिएगा और जैसे ही उसका वर्ग कीजिएगा हम लोग कोशिश करेंगे कि 3m और 3m प्लस 1 के रूप में आ जाए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम एक पूर्णांक मानेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, और बताइए b बराबर क्या होगा, इसके हिसाब से b बराबर तो 3 होगा, होगा कि नहीं, और यहां पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का मतलब हो गया आपका ये, लेकिन एल्गोरिथम का मतलब होता है कि इस पर जो भी क्वेश्चन बनेगा, तो क्वेश्चन बनेगा तो इस पर हम लोग इसके जगह पे कुछ वैल्यू भरेंगे, इसके जगह पे जो स्टेप सजाते हैं ना, तो जितना स्टेप हुआ होता है, ठीक है, उसको हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। तो ये चीज़ लाने के लिए हमको एक स्टेप चलना पड़ेगा, फिर दो एक स्टेप और चलना पड़ेगा, एक दो स्टेप चलेंगे तो एक से ज़्यादा स्टेप हुआ तो एल्गोरिथम हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ लिख देंगे a बराबर, अब यहाँ a बराबर हम लिखेंगे 3 b है ना 3 क्यू प्लस r, और यहाँ एक चीज़ हम लिख दे रहे हैं r बराबर कितना होगा आपका, r बराबर होगा 0 1 2 तक ही होगा, क्योंकि b बराबर जब 3 है तो r बराबर 2 तक ही होगा, क्योंकि जैसे ही अगर 2 से ज़्यादा होगा तो एक बार और भाग लग जाएगा, हम बताए भी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं इस प्रकार, एक बार a बराबर यहाँ एक चीज़ और लिख देते हैं, q एक पूर्णांक है, q भी आपका एक पूर्णांक है, इस प्रकार a बराबर हो जाएगा 3q और प्लस, एक बार देखते हैं हम लोग r का वैल्यू 0 भरते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 3q, 0 तो जोड़ा नहीं जाता है, 0 ऐसे ही छोड़ दो। इसमें लिखा गया है कि जो भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अभी हम धनात्मक पूर्णांक सॉरी विषम नहीं धनात्मक पूर्णांक जो माने हैं हम a माने हैं, और कह रहा है कि इसका हम लोग वर्ग करेंगे, तो जब इसका हम वर्ग करेंगे उसके बाद से ये बनाना है, तो लिखेंगे यहाँ
दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो यहाँ a का भी स्क्वायर कर दीजिए और 3q का भी स्क्वायर कर दीजिए। देखिए हमको किसी तरह, अब भले ही आंसर हमारा देखिएगा यहाँ हमको ऐसा लगता है ठीक है कि ज़बरदस्ती आंसर लाया जाता है, हमको इस रूप में डायरेक्ट आ नहीं जाता है, लाना पड़ता है। देखिए यहाँ कैसे आएगा, ए का स्क्वायर तो ये तो कुछ नहीं होगा, ए का स्क्वायर ही रह जाएगा और 3 का स्क्वायर होता है 9 और q का स्क्वायर ही रह जाएगा ए स्क्वायर। देखिए यहाँ आ चुका है, यहाँ देख सकते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का हम वर्ग किए हैं और वर्ग करने के बाद से हमको 3m के रूप में लाना है ठीक है। उसके बाद से सेकेंड में बनाएंगे तो इसका वर्ग रहेगा लेकिन इस साइड वाला इधर वाला जो आंसर होगा वो 3m+1 के रूप में होगा, बस यही इतना करना है। तो इसमें से कुछ कॉमन लेना है, हमको 3m लाना है ना, जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 3q स्क्वायर, फिर गुणा कीजिएगा तो 3×3=9q² हो जाएगा। अब बताइए हमको तो 3 मिल गया, अब लाना का है m। बहुत जगह यहाँ पे इसको ABCD कुछ भी k वगैरह कांस्टेंट कुछ भी हम लोग मान लेते हैं लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ जो लाना है वही मानेंगे ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या इस रूप में होगा या फिर इस रूप में होगा, दिखाइए। तो हम दिखा रहे हैं धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हो गया है और ये यहाँ हम लिखेंगे थोड़ा सा 3q² = m, पूरा के जगह पर m मान लेंगे तो इसमें पूरा के जगह पर m मान लेंगे तो a² = 3 इस 3 हो जाएगा और ये q² के जगह पर क्या हो जाएगा m। अब बताइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जब वर्ग किया गया है तो वो 3m के रूप में आ गया है, 3m के रूप में इसको मान लिए, लग रहा होगा कि ज़बरदस्ती है लेकिन लाना है उसी रूप में, आपको वैसे ही लाना पड़ेगा। अब हमको एक और चीज़ लाना है, हमको ये लाना है 3m+1। आइए दूसरा स्टेप देखते हैं, स्टेप 2 क्या रहेगा, ये मान लो कि स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 2 देखिए a = 3q + अब r का वैल्यू 1 भरेंगे ठीक है। अब फिर वो दोनों तरफ वर्ग, क्योंकि बोला है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो a का वर्ग कर दीजिए और 3q+1 का वर्ग कर दीजिए बस। अब एक मेरे को बात बताइए, ये तो ऐसे ही रह जाएगा और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कुछ फॉर्मूला टाइप का दिख रहा है, a + b² दिख रहा है। तो जब ये a पर तो होता है फॉर्मूला a² + b² + 2 इसको कहते हैं हम लोग a और इसको कहते हैं हम लोग b, यही ना है। तो a यानी कि 3q + b यानी कि (1) a² + b² + 2ab धनात्मक पूर्णांक का ही वर्ग है, इसी को ना धनात्मक पूर्णांक माने हैं। हमको इसको सॉल्व करके कोशिश करना है कि ये आ जाए, तो 3×3=9 q² का वर्ग q² होता है। देखिए ये वर्ग दोनों पर है, एक बार 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो 9 हो जाएगा लेकिन q² का वर्ग तो q² होता है ठीक है। और उसके बाद ये हो जाएगा 1, 3×2=6 यानी 3×2=6 हो जाएगा 6q। एक काम करते हैं, हमको चाहिए एक 1 इधर मिल गया, हम इसको प्लस में है ना किसी तरह भी सजा सकते हैं क्योंकि हमको बस टारगेट ये रखना है कि हमको लाना क्या है, उसी फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे, यहाँ लिख देते हैं 9q² 6q और 1, एक प्रकार का समझिए तो इसको हम सजा दिए हैं, स्क्वायर है यहाँ, q^1 है यहाँ, कुछ नहीं है a². हमको एक चीज़ मिल गया है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कर दिए हैं और 1 मिल गया, हमको 3m चाहिए। इसमें से दोनों में से 3 कॉमन लीजिए ना, तो जब 3 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ होगा 3q² और प्लस में बचेगा आपका 3×2=6 2q और इधर मान लीजिए 1 ठीक है। अब थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको हम मिटा के बनाते हैं। देखिए इधर अब हमको तो मिल गया ना यार, बताइए यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग मिल ही गया, 3 यहाँ कॉमन ले ही लिए, 1 मिल गया, बच गया जब 3 1 तो m, तो जो बचे उसको m मान लीजिए, हो गया आपका आंसर, बच क्या गया 3m। तो यहाँ देखिए a² यही चीज़ पहले लिख देते हैं, 3q + 2q
प्लस वन, यहाँ लिखेंगे थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू की बराबर एम, एम में लाना है। अब यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग थ्री, इसके जगह पर एम है ना, तो यहाँ भर दीजिए एम प्लस वन। बताइए यहाँ पे किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर जहाँ एम एक पूर्णांक है, थ्री एम और थ्री एम प्लस वन के रूप में हो गया कि नहीं? तो हो गया आपका आंसर कि धनात्मक पूर्णांक को हम थ्री एम और थ्री एम प्लस वन के रूप में लिख सकते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा। बस आपका क्वेश्चन नंबर फोर कंप्लीट हुआ। ध्यान से देख लीजिए, ये स्टेप सेकेंड स्टेप का ही है, सेकेंड वाला स्टेप ही है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उम्मीद करते हैं कि ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें कुछ करना ही नहीं था, एक ऐसे ही ओरली सुन लीजिए ये होता कैसे है। सबसे पहले हम क्या किए कि यहाँ पे जो भी प्रमेयिका था, यहाँ पे बी था थ्री। जब बी थ्री हो तो जाहिर सी बात है कि आर का वैल्यू होगा जीरो वन टू, रिमाइंडर तो दो तक ही होगा। रिमाइंडर जब रिमाइंडर दो तक ही होगा, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग एक एक करके चेक करेंगे कि किस रूप में ये आ रहा है। तो एक बार हम भरे जीरो तो थ्री एम हुआ, उस हिसाब से आप इसके पहले वाले स्टेज में देख सकते हैं बनाए थे। सेकेंड वाले स्टेप में हम इसमें रिमाइंडर मतलब रिमाइंडर वन भरे, तो वन के बाद दोनों तरफ जैसे बोला था क्वेश्चन की वर्ग करना है, वर्ग कर दिए और सॉल्व किए तो आपको उस रूप में मिल गया जिस रूप में पूछ रहा था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर चार रहा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। ये भी क्वेश्चन नंबर फोर की तरह ही है, सेम है, लेकिन थोड़ा सा का अंतर है। और इसमें अंतर किया क्या गया है, सब कुछ वही है। यूक्लिड बाबा भी अपना इसमें दिमाग तो लगाए ही हैं, इनके द्वारा तो क्वेश्चन बनेगा ही। और उन्होंने धनात्मक पूर्णांक भी लिया है, धनात्मक पूर्णांक, ये सब एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और वहाँ पे उसमें वर्ग किया जा रहा था, धनात्मक पूर्णांक का उसमें वर्ग किया जा रहा था। और यहाँ पे घन करना है, वर्ग का मतलब होता है कि किसी भी नंबर का पावर दो करें या फिर कोई भी पूर्णांक हो, और घन का मतलब होता है कि पावर तीन करें, ठीक है, उसको घन कहते हैं। जैसे दो का पावर तीन, यानी दो का ही घन किया गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले किस कोई पूर्णांक एक होना चाहिए ना, तो यहाँ पे मानेंगे कि माना कि एक धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी बराबर थ्री। हम यहाँ पे नाइन दिया है, नाइन मेथड से ही बन जाएगा। जब बी बराबर हो जाएगा नाइन तो आर का वैल्यू जीरो वन टू थ्री, ऐसे करते करते एट तक तो होगा ही, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, नाइन नहीं होगा क्योंकि नाइन यहाँ पे क्या है, डिवाइजर का काम करता है, भाजक का, एक ही बार में भाग देगा। तो जैसे ही नाइन होगा तो कट नहीं जाएगा, इसीलिए एट छोटा ही रहता है, हमेशा इससे छोटा ही रिमाइंडर आता है। लेकिन यहाँ पे थ्री लेकर के चलते हैं क्योंकि थ्री का भी हम लोग अगर घन करेंगे तो नाइन आ जाएगा, नाइन ही ना हमको लाना है इसीलिए। और इस मेथड से हम लोग बनाएंगे तो ये काफ़ी शॉर्ट मेथड होगा, छोटा होगा और आसानी से समझ में आएगा। इसके बाद भी वो वीडियो उसका भी हम एक बना देंगे, ठीक है, जिसमें कि नाइन है तो रिमाइंडर आपका जितना भी होगा एट तक होगा और उस हिसाब से भी ये उतना ही आंसर आएगा, यही आंसर आएगा। यहाँ पर देखिए धनात्मक पूर्णांक ए है और बी बराबर थ्री मान ले रहे हैं। अब यूक्लिड जी का प्रयोग कर दीजिए क्योंकि इनका प्रयोग नहीं कीजिएगा और इन्हीं का लेसन है तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यहाँ पे हो जाएगा। एल्गोरिथम से ए बराबर हो जाएगा, जब बी है तो यहाँ थ्री क्यू प्लस आर तो होना ही होना है, जहाँ जब अब बी बराबर थ्री तो आर दो ही तक ना होगा, आर बराबर जीरो एक दो, इतना ही में सब हिसाब किताब हो जाएगा। देखिए कैसे, जब यहाँ तक हो गया तो हम यहाँ पे लेंगे इस प्रकार, इधर देखिए इस प्रकार, प्रकार का है इसे हो जा रहा है, इस प्रकार ए बराबर थ्री क्यू, आर क्या है बाबू, पहले जीरो लेते हैं हम लोग, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है, जीरो लेते हैं, मिला जुला के ए बराबर हो जाएगा थ्री क्यू। और क्वेश्चन में बोला है कि धनात्मक जो भी पूर्णांक है उसका घन कीजिए, तो भाई जब घन करेंगे तो ये दिखाना है कि नाइन एम के रूप में आएगा कि नहीं, नाइन एम प्लस वन के रूप में आएगा कि नहीं, नाइन एम प्लस एट के रूप में आएगा कि नहीं। तो घन करते हैं तो करेंगे तो एक तरफ करेंगे, कभी भी कोई भी काम दोनों तरफ करते हैं, किसी के साथ ना इंसाफी नहीं। जब मान लीजिए इधर कर दीजिए, ये कहेगा कि मेरे तरफ क्यों नहीं किए, जब यहाँ बोले हैं कि हम दोनों बराबर हैं, ठीक है, ये और ये बराबर लग गया, इसका मतलब बराबर है। देखिए बराबर का मतलब क्या होता है, अगर हम हैं और कोई दूसरा व्यक्ति आया, बीचवा में खाली दो ऐसे
मतलब लकीर हम लोग खींच दें, यानी दोनों बराबर हैं, उसके पास जो चीज़ है वो मेरे पास है, तो बताइए यहाँ बराबर है, इसका वर्क कर दे इसका छोड़ दे तो बराबर होगा, ये कभी खुश रहेगा कभी नहीं रहेगा, ठीक है। तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, इसलिए दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है। तो जब दोनों तरफ घन कीजिएगा तो एक का क्यूब, आ गया बात कि धनात्मक पूर्णांक का घन कीजिएगा तो इस रूप में आएगा, तो आएगा देखिए ना, थ्री क्यू का भी आप क्यू कीजिए तो ये तो इतना ही रह जाएगा। अब ए का पावर तीन कीजिएगा तो ए गुणे ए गुणे ए, तो ए का पढ़ा ए बार पढ़िए तो फिर ए स्क्वायर है, फिर ए स्क्वायर पढ़ा ए बार पढ़िएगा तो ए का पावर तीन, ठीक है। अब यहाँ देखिए, देखिए पावर तीन का मतलब होता है ये तीन बार लिखा जाएगा, थ्री का क्यू कीजिएगा तो थ्री गुणे थ्री गुणे थ्री, तो थ्री थ्री जै नाइन और नाइन थ्री जै 27 होता है, ठीक है। मतलब तीन तरी का नौ और नौ तरी 27, आ ये तो उतना ही रह जाएगा, इसमें कुछ नहीं भाई। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हो चुका है, हमको लाना है 9m, 9 इसमें से कॉमन ले लीजिए, जब लाना है देखिए जो लाना है वही कॉमन लीजिए, अब ज़बरदस्ती कीजिए चाहे जिस तरह भी कीजिए, प्यार से नहीं मानेगा तो ज़बरदस्ती तो करना पड़ेगा। तो यहाँ बचेगा थ्री, यहाँ तो इसमें का कॉमन लीजिएगा, इसमें तो लाना ही नहीं है हमको, हमको 9m सिर्फ लाना है। तो जब 9m लाना है तो यहाँ आप एक आसानी से a का पावर 3 लिख दीजिए, और 9 तो आ गया, लाना है m तो बाय, तो ज़बरदस्ती तो सबको आता है, इसको m मान लीजिए, ठीक है। यहाँ लिख दीजिएगा 3q का पावर 3 बराबर m, ठीक है। और यहाँ लिख दिया m एक क्या है, पूर्णांक है, m एक पूर्णांक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9m। बताइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक अगर घन कीजिएगा तो 9m के फॉर्म में आ गया कि नहीं, ठीक है। सेम इसी प्रकार ये कैसे आया, जब एक बार ये रिमाइंडर यानी कि जीरो सेंस लिए थे तो, अब हम लोग वन लेंगे तो ये आएगा और टू लेंगे तो ये आएगा, देखिए कैसे हम यहाँ लिखेंगे, ये हो गया स्टेप वन, यहाँ पे स्टेप टू अगर लिख के हम लोग देखें, ठीक है। तो ए धनात्मक पूर्णांक को छोड़ना नहीं है क्योंकि इसी का ना क्यूब करना है, थ्री क्यू अब प्लस, यहाँ जीरो लिए थे यहाँ लेंगे हम लोग अब वन। अब दोनों तरफ तो काम करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि वर्क करने के बाद ही इस रूप में बदल सकते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा ज़बरदस्ती करना उचित नहीं है, ठीक है। दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है, तो हो जाएगा a का क्यूब बराबर, इसका भी कर दीजिए, कोई चालाक होगा तो पर्सनली करने लगेगा, इसका क्यूब इसका क्यूब, तो बाबू a के साइड है, ठीक है, तो इधर हो जाएगा, ठीक है, ये तो रहेगा ही। उसमें तो था a प्लस बी के द होल स्क्वायर, लेकिन इसमें आता है a प्लस बी के द होल क्यूब, तो गारंटी है कि आप लोग को फार्मूला तो याद होगा नहीं, क्योंकि आप लोग तो बहुत अच्छा पढ़ने लिखने में, अगर है तो याद होगा, नहीं है तो आप खुद जानते हैं सब, ठीक है। हम बता दे रहे हैं a प्लस बी के द होल क्यू, कोई बात को बुरा नहीं मानेगा, इधर देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर, तो थ्री आ ए यही ना है आ ये है b, ठीक है, तो थ्री ए स्क्वायर बी मिटा देते हैं, नहीं तो इसको b समझ लोगे बट्टा में, प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब बहुत जगह ऐसे भी बोला जाता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस थ्री स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, ठीक है। तो उस हिसाब से जैसे जिसको मन करे फार्मूला लगाए बतिया वही होगा सेम, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करें, थ्री थ्री जै नाइन, नाइन थ्री जै 27, यानी कि तीन थ्री का नौ थ्री 27 हो जाएगा ये क्यू, ठीक है, ये ए क्यू तो रहेगा ही प्लस एक का क्यूब, बाप रे यहाँ एक आ गया, देख लीजिए अलग है, ठीक है, हमको यहाँ एक लाना है, एक मिल गया, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा तीन तरीका नौ, ठीक है, यहाँ नौ तरी 27 क्यू स्क्वायर है, गुणा एक से कीजिएगा थोड़ा सा भी असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, यहाँ तीन तरीका नौ क्यू वन है तमाम। अब हमको वन मिला है ना, छाँट दे उधर, ठीक है, तीन त्रिका नौ त्रि 27 और ये हो जाएगा तीन त्रिका, ये भी सही है भाई, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, हमको जो मिल रहा है धीरे धीरे उसको खसकाते रहे, नहीं तो बाद में वो भी मिल जुल जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, जो भी देखते रहेंगे काम मिल रहा है 9q,
प्लस में वन मिल गया, अब हमको लाना है 9m, तो पहले 9 निकाले और जब 9 निकल जाएगा तो जो बच जाएगा बाद में m उसको मान लेंगे। आई तो धनात्मक पूर्णांक तो क्यों भाई, इसमें से जब 9 निकालिएगा तो 9 का पाड़ा में कबर में 27 आता है, तो 9 3 27 क्यू, यहाँ भी 9 3 27 क्यू स्क्वायर और 9 1 9 खाली क्यू ए बच जाएगा प्लस वन। क्या बात है, अब तो पूरा आंसर आ गया। बताइए 9 मिल ही गया, 1 मिल ही गया, अब बच क्या गया m, तो बस इतना बराबर m मान लीजिए तो हो जाएगा 9m + 1, ठीक है, तो जगह होगा है नहीं, ठीक है, एडजस्ट करना सीखिए। इधर लिख देते हैं हम 3q + 3q का पावर q और 3q² + q, इतना बराबर अगर हम m माने तो हो जाएगा aq = 9m + 1। देख लीजिए ये भी बहुत आसान है, 9m + 1 भी आ गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला धनात्मक पूर्णांक का घन कीजिएगा, तो धनात्मक पूर्णांक का घन किए और घन हम दोनों तरफ करेंगे, एक तरफ नहीं करेंगे। आ इसको देखिए, घन करने के बाद एक ही तो काम करना, ये सब कुछ नहीं है करना, क्या आपको सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है, और हम इधर सॉल्व कर दे रहे हैं, सॉल्व किए हैं बस, और उसके बाद से जो मिलते जाएगा उसको हटा दे जाएंगे, तो जो मिलते गया धीरे धीरे खसकाते गए और जो बच गया m मान लिया आपका इस फॉर्म में दिखने लगा। अब हम आते हैं ये साबित करना है, तो बाबू जब 0 यहाँ पे शेष हुआ था तो ये आया था, जब 1 शेष लिए थे यहाँ पे तो ये आया, अब 2 शेष लेंगे तो ये आएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो देखिए यहाँ पे इसको मिटाते हैं और रफ थोड़ा सा इसको कर ले इधर, यहाँ अब हम ले रहे हैं a बराबर 3q भाई, b है ये अब क्या करें हम, दोनों तरफ घन, तो कर दे दोनों तरफ घन, दोनों तरफ घन करने पर लीजिए, अब कीजिए तो फिर ये धनात्मक पूर्णांक का घन हो गया, तो इसका तो करना ही पड़ेगा, लिख भी दिए हैं ये +2, ठीक है, फार्मूला अभी ये बोले हैं, देखिए कैसे aq + bq + 3a² b + 3ab² यही होता है, ठीक है, aq = 3 3 9 3 27 q अब प्लस 2 2 4 4 2 8, ऐसे q का मतलब होता है 2 का पावर 3, लिखिएगा यहाँ पे 2 × 2 × 2 2 2 4 4 2 8 आठ ही ना होगा, 2 3 बार लिखेंगे तो यहाँ देखिए 8 और प्लस ये हो जाएगा 3 3 9 9 3 27, और 27 2 कितना होता है, तो 27 2 हो जाए 7 2 14 के 4 हाथ में 1 2 4 1 5 27 2 54 होता है, तो 54 q² और प्लस 3 3 9 आइए 2 2 4 हो जाता है 9 4 36 q। अब देखिए कुछ मिला है कि नहीं इसमें का सबूत, ठीक है, सॉल्व करने के बाद से देखते रहिएगा 8 मिल गया भाई, इसको हटाओ नहीं तो मिल जुल जाएगा, बाद में मुंह देखोगे कि ला गड़बड़ हो गया, तो एग्जाम हॉल में सिर्फ मुंह देखने से कुछ नहीं होता है, कलम रुका तो समझ जाइएगा सब कुछ गड़बड़ हो गया। 8 को यहाँ से बहुत जल्दी निकालिए, अब जब से ही 8 निकल गया तो फिर इधर वाला नहीं, क्योंकि ये तो मानना होता है, ठीक है, तो 9 निकालेंगे, अब जब 9 निकालिएगा तो यहाँ बचेगा 9 3 27 3। अभी मत सोचिए सर इसमें से 9 निकालिएगा 9 2 18 बचेगा, फिर 9 जो जोड़ा नहीं जाता है गुणा होता है, ठीक है, ये हो जाएगा 9 54 है ना, तो 9 5 45 9 6 54 9 9 6 54 6 बचेगा, ठीक है, और यहाँ 9 का 18 9 3 27 9 4 36 4 बचेगा, अब प्लस में बच जाएगा 8 हो गया भाई। अब 9 मिल ही गया, 8 मिल ही गया, बच गया ये, तो इतना बराबर जब मानिएगा पूरा बराबर m, तो हो जाएगा 9m + 8, तो यहाँ लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा इधर एडजस्ट कीजिए, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं हम जहाँ 3q + 6q³ है, नहीं जी यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है, उसके बाद से हो जाएगा 4q = m, ठीक है, तो हो जाएगा aq = 9, इतना के जगह यहाँ पर हम लोग लिख देंगे
एम अब प्लस में हो जाएगा एट। बताइए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का क्यूब किए तो इधर भी क्यूब किए, और क्यूब करने के बाद से हमको बस सॉल्व करना है। इस पूरे क्वेश्चन में हमको कुछ नहीं करना है, करना क्या है कि बस आपको ये स्टेप लिख देना है कि रिमाइंडर क्या होगा। आप बार बार यूक्लिड बाबू के जो है नियम दिए हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी जो ये सेट किए हैं, इसी में एक बार जीरो भरिए, एक बार वन, एक बार टू, जितना आए जितना बार भरना है जो लाना है भरते रहिएगा। और भरने के बाद से स्क्वायर बोलेगा तो स्क्वायर करके सॉल्व करना है, क्यूब बोलेगा तो क्यूब करके सॉल्व करना है, और बाद में इस रूप में आपको दिख ही जाएगा। तो हो गया बस, आज ये कंप्लीट हो गया आपका 1.1। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो काफ़ी अच्छा से समझ में आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसके बाद से इसका दूसरा मैटर जिसके दिमाग में चल रहा होगा, ठीक है, कि मान लीजिए कि सर यहाँ पे 9 है, तो आप तो बोले हैं कि ये बी है, तो यहाँ रिमाइंडर तो 8 तक होना चाहिए, 0 से लेकर के 8 तक, तो बाबू वैसे भी बन जाएगा, ठीक है। लेकिन वैसे आपको एक जगह थोड़ा सा परेशानी होगा कि जब बोल यहाँ तो 3 का क्यूब करने में, 3 3 का 9, 3 27 करने में बोला है कि अब 3 में 3 से गुणा करें, फिर 3 में 3 से, तो जब 9 में 9 से गुणा कीजिएगा, फिर 9 में 9 से 3 बार, तो 9 3 9 9 81, फिर 81 9 729। हमको तो पता है आपको गुणा करने में परेशानी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो भी हम बता दे रहे हैं कि वो क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको किसी प्रकार का परेशानी इस क्वेश्चन में नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में अगले इसी लेसन के अगले प्रश्नावली 1.2 को लेकर के आएंगे। जय हिंद।